नमस्कार, मैं धीरज उपाध्याय न्यूज एक्सप्रेस मीडिया डॉट कॉम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश में स्थित मिर्ज़ापुर के नार घाट पे हम लोग यहां पे एकत्रित हुए हैं। और दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो बाढ़ की स्थिति है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है और बाढ़ लगभग अपने खतरे के निशान तक पहुँच चुका है। अगर इससे ज़्यादा फिर बाढ़ बढ़ता है तो ये शहरवासियों के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लहरें हैं वो कितना उफान है, उनमें कितनी तेज़ी है। लगभग 2 फीट ऊपर नीचे लहरें निरंतर जो है बहती हुई इस समय देखी जा सकती हैं। यहाँ पे हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। दोस्तों, यहाँ से शास्त्री बीच जो है वो लगभग 1 किलोमीटर स्थित है, 1 किलोमीटर दूरी की स्थित 1 किलोमीटर दूर स्थित है। और दोस्तों, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो सीढ़ियाँ हैं नारघाट की वो लगभग 80-85% जो है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है और मात्र 15% ही बचा हुआ है इस समय। तो लगभग हमारे यहाँ पे कुछ लोकल भाई जो यहाँ पे रहते हैं ऊपर, उन्होंने बताया है कि लगभग 1 फीट पर डे के हिसाब से गंगा जी इस समय बढ़ रही हैं। और अगर इसी तरीके से निरंतर बाढ़ बढ़ता रहा तो ज़रूर ये शहरवासियों के लिए खतरा का कारण बन सकता है। जी, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गंगा इस नार घाट के अपोजिट साइड में जो गाँव बसे हुए हैं, तो उस तरफ अगर यहाँ पे 2 या 3 फीट पानी ऊपर हो जाता है तो निश्चित रूप से गांव में प्रवेश करना शुरू हो जाएगा, जो कि गांव के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। आइए, हम जानते हैं यहाँ पे कुछ और नाविक जो खड़े हुए हैं, नाविक भाई, उनसे राय लेते हैं कि गंगा जी में निरंतर जो जल बढ़ रहा है तो वो खतरे की घंटी के ऊपर है या नीचे है। तो आइए जानते हैं। जी, अपना नाम बताएंगे सर? हाँ, विजय कुमार। जी विजय कुमार जी, बताइए जो है गंगा जी का स्पीड जो है बाढ़ का इस समय क्या है? बाढ़ का स्पीड, पानी बहुत कोलम चल रहा है इस टाइम जी जो है, और ये हवा भी चल रहा है इसलिए नाव सब बंद है जी। मौसम के हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं। तो जैसा भाई ने बताया है कि नाव इस समय बंद है, क्योंकि जो इतनी लहर है इतनी तेज़ी से इस समय आप देख सकते हैं कि कितना तेज़ उफान है, 2 फीट लगभग ऊपर हर लहर 2 फीट उठ रही है। तो नाव, उन्होंने बताया कि नाव अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि नाव चलाना इस समय सुरक्षित नहीं माना जा सकता। चलिए कि जो ये विशाल जलाशय इस समय दिख रहा है, इसमें चारों तरफ जो है जल से जलमग्न है ये पूरा एरिया, और कितनी भयावह स्थिति लग रही है इस समय गंगा जी की। तो लगातार 1 हफ्ते से आज मिर्ज़ापुर सिटी में बारिश हो रही है, और अगर इसी तरीके से स्थिति बनी हुई तो ये निश्चित रूप से इस मिर्ज़ापुर के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। इसी के साथ मैं धीरज उपाध्याय, कैमरामैन ज्ञान के साथ, न्यूज़ एक्सप्रेस मीडिया।